Hey guys, hi and welcome back to my channel. मैं हूँ तनु और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन. सो कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, सही सलामत घर पे होंगे. तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको नॉर्थ वंडूर बीच दिखाया था और आज उसी का ही रोड ट्रिप है और थोड़ा बहुत मैं उस जगह को भी दिखाऊंगी जो कि उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया नहीं था. और ये वीडियो रॉ होगा, जैसे कि मैंने शूट किया था वैसा ही होगा. ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस ओवर होगा क्योंकि इस दिन ना मैंने ज़्यादा फ्रंट कैमरा यूज़ नहीं किया था. तो जाते जाते एक्चुअली जोड़ा कैनल पे हमें ये जगह पे जहाँ पे कि सुनामी का पानी एंटर कर चुका है, काली मंदिर का पास वाला जगह पे, शाम का 3 बज रहा था और यहाँ पे इस दौरान लाइटिंग भी इतना ज़्यादा बढ़िया आ रहा था और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चिड़िया एक्चुअली उस वक्त आए थे. आप शायद यहाँ पे बहुत सारे बगुले देख रहे हो, लेकिन वहाँ पे बहुत डिफरेंट भी बर्ड्स का स्पीसीज वहाँ पे आया था जिसका भी हम वीडियो एक्चुअली नहीं कर पाए. कभी और एक दिन जाएंगे और आपको मैं दिखाऊंगी. और मैंने आपको और एक वीडियो पे भी कहा है कि यहाँ पे ना बहुत अलग अलग टाइप का बर्ड्स यहाँ पे आता है, जिसका कि यहाँ पे एक बोर्ड भी है जो बोर्ड किसी ने तो तोड़ दिया है. मैं और एक दिन जाऊँगी जिस दिन कि मैं आपको बोर्ड भी दिखाऊँगी और डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स अगर मुझे दिखा तो मैं आपको दिखाऊँगी. तो वहाँ पर हमने करीबन 10-15 मिनट हम रुके हुए थे एंड देन हम सिप्पी घाट के तरफ निकल गए. और अभी हम क्रॉस हो रहे काला पत्थर से और अब हम एक्चुअली धनी खाड़ी से जो लेफ्ट रोड जाती है ना, उस रोड से हम नॉर्थ वंडूर जाएंगे. तो लोकेशन और बीच कहाँ पे है वो तो मैंने पिछला वीडियो पे ज़्यादा बता ही दिया है. इस वीडियो पे मैं आपको अंडमान की जो ताजगी है, जो खूबसूरती है, वो मैं अनएडिटेड वर्जन में दिखाने वाली हूँ. तो ये एरिया मतलब स्पेशली फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू धनी खाड़ी का जो रोड है, ये मैंने बहुत सारे वीडियो पे दिखाया है. तो इस वीडियो पे मैं ज़्यादा कवर नहीं कर रही हूँ, छोटा मोटा बस मैं क्लिप आपको उसका दिखाऊंगी. तो ये एरिया मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम धनी खाड़ी टू वंडूर मंगलूटन, ये मैंने ज़्यादा आपको दिखाया नहीं है. हर वक्त सोचती थी दिखाऊंगी, लेकिन इस एरिया पे जब भी जाती थी आइदर शाम हो जाता था या फिर लाइटिंग अच्छा नहीं होता था. लेकिन आज का दिन का जाते वक्त रोशनी बहुत ज़्यादा था तो थोड़ा बहुत मैंने मतलब अच्छा खासा ही एक्चुअली मैंने वीडियो शूट कर लिया है, लेकिन बीच में जाने के बाद अच्छा शूट नहीं हुआ था. तो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम धनी खाड़ी टू मंगलूटन जंक्शन एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल सा एक रोड है. आप यहाँ से दो तरफ जा सकते हो, एक तो है गुप्तापाड़ा साइड और एक है वंडूर साइड. तो मैं जब मंगलूटन गई थी, आपको याद होगा जो न्यू मंगलूटन मंजीरी उस तरफ गई थी, तो मैं एक्चुअली लेफ़्ट ली थी, लेकिन आज मैं राइट लेने वाली हूँ. ये देखिए जंक्शन में पहुँचने ही वाली हूँ. अगर आप बाई बस जाते हैं तो यहाँ से बहुत सारी जीप भी जाती है, तो आप वहाँ से भी कुछ ऐसा व्हीकल लेकर जा सकते हो. और अगर आप स्कूटी ले रहे हो तो आप गूगल मैप का भी यूज़ कर सकते हो. अंडमान में भी इंटरनेट की सुविधा काफ़ी अच्छी हो गई है एज़ कम्पेयर टू पास्ट 5 years और 1 year यू कैन से. मैं घर से ही वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ अभी. इंटरनेट मैं एयरटेल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप में से मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा सर्वर यहाँ पे ठीक ठाक चलता है. तो इस वीडियो में मैं एक वर्क फ्रॉम होम के बारे में थोड़ा बात करने वाली हूँ, क्योंकि जाते जाते मैं और आपको क्या ही बताऊँ. तो जिनको भी ये सब बात सुनना नहीं है और बस रोड ट्रिप देखना है तो आप वीडियो को म्यूट करके भी देख सकते हैं, लेकिन जिनको जानना है उनको मैं बता दूँ. यहाँ पे हमारे घर में BSNL का ब्रॉडबैंड है जो कि स्पीड ठीक ठाक ही है, मतलब मेरे काम के लिए परफेक्ट है. लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है जब लाइट चले जाती है, क्योंकि मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है. तो तब मैं यूज़ करती हूँ एयरटेल. एयरटेल का वाईफाई भी सही काम करता है, साथ पे जो डेटा है मतलब मोबाइल डेटा है वो भी अच्छा काम कर सकता है. आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हो. यहाँ पर मुझे कभी भी वीडियो अपलोडिंग में कोई भी समस्या नहीं आई है. और BSNL का जो प्राइस है थोड़ा सा महंगा है. मैं जब एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी रिलेटेड टू वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम अंडमान, ऐसे टाइटल दूँ या फिर वर्क फ्रॉम बीच ऐसा दूँ, मुझे लगता है वर्क फ्रॉम बीच ज़्यादा अच्छा होगा. क्योंकि आप आजकल YouTube में देख सकते हो बहुत सारा ऐसा वीडियो हो रहा है कि वर्क फ्रॉम माउंटेन्स, तो मैंने वही सोचा है कि वर्क फ्रॉम अंडमान या फिर वर्क फ्रॉम बीच, ऐसा कुछ टाइटल से मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो कि आप में से बहुत किसी को हेल्प होने वाला है. अगर आप प्लान कर भी रहे हो कि आप अंडमान से अपना ऐसा वर्क फ्रॉम होम का जॉब करने वाले हो जिसमें कि आपको 24/7 इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप बेझिझक कर सकते हो, आप आ सकते हो और यहाँ पे रूम रेंट करके आप अपना वर्क फ्रॉम होम
कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फैमिली यहाँ पे था तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन आप भी अगर आते हो तो एट वन लेवल ही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन ये सब के लिए थोड़ा सा भागा दौड़ी करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप मोबाइल डेटा से भी कर सकते हो, लेकिन मोबाइल डेटा का यही प्रॉब्लम होता है, एयरटेल का जो नेटवर्क है ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता। मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे ठीक है, लेकिन मैंने बहुत सारे जगह पे देखा है पोर्ट ब्लेयर करके, जहाँ पे इंटरनेट का सुविधा उतना अच्छा नहीं है। तो यही है वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी यहाँ पे, क्योंकि आप में से बहुत किसी का ये वाला कंसर्न होता है, तो मैंने थोड़ा बहुत इस वीडियो में बात किया है। तो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, वंडू ट्रिप हमने 25 दिसंबर 2020 पे किया था, और ये व्लॉग थोड़ा सा लेट है, समझ सकते हो, घर पे बहुत ज़्यादा काम होता है, मतलब ऑफिस का काम होता है और साथ में घर का भी काम होता है, तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाओगे, आई नो दैट। और इसी एक ट्रिप है जिसमें कि हम तीनों भाई बहन एक साथ गए थे, अदरवाइज़ हम कहीं पे भी एक साथ नहीं जाते, मेरा छोटा भाई कहीं पे भी आना नहीं चाहता है, बहुत कन्विंस किया। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करना पड़ेगा ताकि मेरा छोटा भाई हर एक ट्रिप में हम दोनों के साथ आए। तो अभी हम क्रॉस हो रहे हैं वंडूर का कोई तो एक गाँव से, मुझे इतना ज़्यादा गांव का नाम तो नहीं पता, लेकिन एक बहुत खूबसूरत सा एक रोड है, और यही वाला रोड एक्चुअली मुझे मेरे नेटिव जो कि है लिटिल अंडमान वहाँ का मुझे याद दिलाता है। ठीक वहाँ पे भी ना ऐसा इक्वल वाला, मतलब रोड में कोई उबड़ खाबड़ उतना पहाड़ नहीं है, वैसा वाला रोड है यहाँ पे, और प्लांटेशन भी पूरा लिटिल अंडमान में यानी हटबे का जैसा ही है। तो ये जगह मुझे उसी का फील दिलाता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है साथ में। तो अगर आपको नॉर्थ वंडूर बीच जाना है तो आपको स्ट्रेट निकलना है वंडूर की तरफ, वहाँ पे आपको एक छोटा सा जंक्शन दिखेगा, अगर आप उसका राइट ले लोगे तो नॉर्थ वंडूर पहुँचोगे, और अगर आप लेफ़्ट लेके जाओगे तो आप पहुँच जाओगे वंडूर बीच, जहाँ पे कि मोस्ट ऑफ़ द टूरिस्ट जाते हैं, और नॉर्थ वंडूर में उतने ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन लोकल्स यहाँ के बहुत ज़्यादा जाते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो पे दिखाया था कि कितने ज़्यादा लोग पिकनिक करने के लिए आए थे। तो 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा सजाया जाता है, लेकिन वो बस पोर्ट ब्लेयर में ही होता है, पूरा पोर्ट ब्लेयर में लाइटिंग बहुत ज़्यादा किया जाता है और उसके साथ चर्च को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। और अंडमान एक ऐसा जगह है यहाँ पे कि सारा सेलिब्रेशन मनाया जाता है, जैसे ईद बोलिए, दिवाली बोलिए, और साथ में क्रिसमस बोलिए, तो हर एक कम्युनिटी हर एक फेस्टिवल एक्चुअली मनाते हैं। तो मैं शाम का जो व्लॉग होगा ये मैं एक डिफरेंट वीडियो में देने वाली हूँ, जिसमें कि मैं आपको इवनिंग कैसा हुआ था, मतलब क्रिसमस इवनिंग कैसा हुआ था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो एक मिनट के लिए इस वीडियो पे आती हूँ। तो आप देख सकते हो जो दूसरा वाला रोड जा रहा था ना, वो जा रहा है वंडूर बीच, जहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन मैंने लिया है दूसरा वाला रोड जो कि नॉर्थ वंडूर का रोड है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो यस, मैं जो आपको बोल रही थी, क्रिसमस के दिन मेरीना पार्क बहुत ज़्यादा लाइट अप हो जाता है, और उसके साथ गोलघर का चर्च को सबसे ज़्यादा सजाया जाता है, जितना कि मैंने देखा है। अब बम्बू फ्लैट की तरफ भी एक चर्च है, उसे भी सजाया जाता होगा, लेकिन मैं वहाँ पे गई नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सब चर्च के देखा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो ये वाला जो लोकेशन है नॉर्थ वंडूर जाने के लिए, इस गाँव में ज़्यादा बंगालीज डिसाइड करते हैं, और यहाँ पर फार्म के बीचों बीच एक घर होता है, और यही जाते जाते एक्चुअली मैं रुक गई थी और मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया था, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो पे दिखाया है। और अंडमान में एक बस सर्विस है जो कि बहुत साल पुराना है, उनका ओनर का नाम है सुभाषिनी, उनका भी घर इसी तरफ है। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुभाषिनी बस के साथ मेरा बहुत ज़्यादा याद जुड़ा हुआ है। कभी कभार हमें बस नहीं मिलता था एक्चुअली छोलदारी से, तो हम धनीखाड़ी तक आते थे और उसके बाद हम सुभाषिनी बस से जाते थे एक्चुअली। तो ये सारे गांव के घर में एक्चुअली घर के आसपास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूलों का पेड़ होता है, और जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था एक घर के सामने हिबिस्कस के बहुत सारा पेड़ था, ये सब फूल एक्चुअली वो बेचते नहीं हो, वो घर पर पूजा पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये बहुत ही कॉमन है इन्हें बंगाली फैमिली इन अंडमान, इवन नॉन बंगालीज भी लगाते हैं, लेकिन मैंने बंगालीज के घर में ज़्यादा फ्लावर का कल्टीवेशन करते हुए देखा है। और इनके घर में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पेट्स होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, डक, हेन, और कुत्ता और बिल्ली तो एकदम कॉमन है। और स्पेशली नॉर्थ वंडूर साइड में ना राइस का कल्टीवेशन भी होता है, और सुपाड़ी नारियल का कॉमन है, मतलब सुपाड़ी और नारियल आप अंडमान का कहीं पर भी जाओ ये आपको दिख जाएगा।
इस साइड पे ज़्यादा राइस का होता है, मैंने छोलदारी साइड पे भी देखा है, लेकिन लिटिल अंडमान में नहीं होता है। अगेन आप डिगलीपुर साइड में अगर चले गए तो वहाँ पे आपको राइस का कल्टीवेशन दिखेगा। तो इस जगह से शायद आपको समझ आ गया होगा कि थोड़ा बहुत खाड़ी एक साइड पे दिखना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ से समुंदर ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप यहीं पे अपना गाड़ी रोक के कोई भी तरफ में चले जाओ तो आपको समुंदर एक्चुअली दिख जाएगा। और आप में से ये डाउट बहुत किसी का होता है कि इतने घने जंगल में लोग कैसे रहते हैं, और इसके भी आगे जाके भी जो सारे घर है उनको सारा फैसिलिटीज़ कैसे मिलता है। तो अंडमान में ये काफ़ी कॉमन है कि थोड़े थोड़े, मतलब विलेज में स्पेशली, कि थोड़े थोड़े दूर में ही ऐसा कुछ एरिया जंगल होता है एंड देन उसके बाद एक विलेज सेटल होता है। तो सेटलमेंट के दौरान ही कुछ ऐसा था, और जो विलेज आप देख रहे हो ये गवर्नमेंट ने ही उनको एक्चुअली सेटलमेंट दिया है, और जो फॉरेस्ट भी आप देखे हो वो एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है, जहाँ पे कि इलीगल वुड कटिंग ये सब नहीं होता है। तो मैं जाते जाते ये वाला विलेज के वहाँ पे थोड़ा सा रुक गई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर विलेज था। तो ये ऐसे सारे विलेज पे एक दो छोटे मोटे दुकान, राशन का दुकान होता है, और सारे गांव का एक मार्केट भी होता है। जैसे वंडूर, ये विलेज आप देख रहे हो, इसके अगर 5 किलोमीटर या फिर 6 किलोमीटर दूर आप चले जाओ तो आपको एक मार्केट दिख जाएगा, और मंगलूटान मार्केट भी है। और पोर्ट ब्लेयर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब एबरडीन बाज़ार यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वो बस यहाँ से 25 किलोमीटर ही है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला है कि यहाँ पे एक रिसॉर्ट भी है जो कि सुभाषिनी घर के ओनर के ठीक पास में ही है, लेकिन मुझे इस रिसॉर्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ। और एक जो रिसॉर्ट है वो ठीक वंडूर बीच, मतलब नॉर्थ वंडूर बीच के पास ही में है। यहाँ पे आपने थोड़ी देर पहले जो पेड़ देखा है वो एक्चुअली ताल का पेड़ है, जो कि वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इवन उड़ीसा में भी बहुत कॉमन है। उस ताड़ का पेड़ का जो फल होता है उसे यहाँ पे ताड़ कहते हैं, बंगाली में ताल कहते हैं, और उससे बहुत डिलीशियस डिज़र्ट एक्चुअली बनाते हैं, और बहुत महंगा है इन पोर्ट ब्लेयर। बट अगर आप वेस्ट बंगाल साइड में सेम चीज़ को यहाँ वहाँ पर ख़रीदोगे तो बहुत ही ज़्यादा चीप होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही महंगा है। और महंगाई का रीज़न भी ये है क्योंकि यहाँ पे कम है क्वांटिटी पे, और अगर कुछ चीज़ बाहर से आता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी उसके साथ लग के आ जाता है। तो हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं नॉर्थ वंडूर बीच, और बीच का मैं ज़्यादा वीडियो इस वीडियो पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि लास्ट वीडियो पे मैंने टोटल वीडियो जो दिखाया था वो बस बीच रिलेटेड ही था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम एक्चुअली पहुँच गए हैं, और बहुत सारे यहाँ पे लोग एक्चुअली उस दिन आए थे क्योंकि क्रिसमस था। और यहाँ पे ना एक एक जगह के लोग ऐसे बस को रेंट पे लेकर जाते हैं, ऐसा कुछ भी अगर सेलिब्रेशन है उनका तो इकट्ठे ऐसे लोग एक सेलिब्रेशन मनाते हैं। जो भीड़ देख रहे हैं आप, क्योंकि आज क्रिसमस है एंड इसके लिए लोग पिकनिक करने आए हैं, तो वीकेंड में थोड़ा बहुत भीड़ होता है और कुछ फेस्टिवल होगा तो ज़रूर होता है। तो यही है नॉर्थ वंडूर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे लोग पिकनिक के लिए आते हैं, साथ में यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़िशिंग के लिए भी आते हैं, और इसीलिए यहाँ पे आप बहुत सारे फ़िशिंग बोट्स आप देख पा रहे हैं और छोटे छोटे नाव भी देख पा रहे हैं। छोटे छोटे नाव को अंडमान में कहा जाता है डिंगी। तो मैंने कुछ दिन पहले ही एक डिंगी राइड किया है फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर टू फ्लैट बे, जिसका वीडियो मैं बहुत जल्द आपको देने वाली हूँ, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप अंडमान में आते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा एक कुछ एक डिंगी राइड करें, क्योंकि इससे क्या होता है, जो लोकल लोग होते हैं ना, जो कि बस उनका बिजनेस ही है फिशिंग या फिर बोटिंग, उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। तो नॉर्थ वंडूर का शोर लाइन एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबा है, आप अगर स्ट्रेट चलते रहेंगे तो आप पहुँच जाएंगे लोहा बैरक, जो कि मेरा पहला ब्लॉग था जब मैं अंडमान में इस बार, मतलब कोरोना के बाद आई थी। आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो, उस वीडियो में मैंने आपको एक मैप भी दिखाया था और उस वीडियो में मैंने इस बारे में भी बताया भी था। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड था, तो ज़्यादा मैं वहाँ पे अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाई, और यहाँ पे लाइटिंग अच्छा नहीं था तो इसीलिए आपको थोड़ा सा डल लग रहा होगा कैमरा में, लेकिन ये एक बहुत खूबसूरत सा एक बीच है जहाँ पे कि आप एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो विद फैमिली, और अगर आपको मी टाइम भी स्पेंड करना है तो भी आप कर सकते हो। तो हमने थोड़ी देर जैसे टाइम स्पेंड किया एंड देन वहाँ पे अंधेरा भी हो आ रहा था, तो हम एक्चुअली निकल पड़े और अब हम जा ही रहे थे छोलदारी की तरफ, क्योंकि मेरे भाई को ऑब्वियसली अगर छोलदारी के थोड़ा सा भी
आसपास चले जाते हैं तो उसे लेना पड़ता है, मतलब उसे खाने का बहुत ज़्यादा तलब लगती है रसगुल्ले का। तो हम एक्चुअली अभी जा रहे हैं वंडूर के साइड पे, ये दूसरा वाला रोड है जो कि मैंने आपको आते वक्त दिखाया था। और यहाँ पे एक जगह है, मतलब वंडूर विलेज जाते वक्त एक छोटा सा जगह है जहाँ पे कि आप ज़रूर जाइए, मैं आपको ये वाला रिकमेंड करूँगी, वंडूर जाते वक्त ही है, जहाँ पे आपको सुनामी का सब पानी दिख जाएगा ना कि पानी वहाँ पे एंट्री किया है, वहाँ पे आपको एक छोटा सा रोड दिखेगा जो कि रोड के लेफ्ट साइड पे है, वहाँ पे आप चले जाइए एंड थोड़ी देर बस वहाँ पे बैठे रहिए, आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा वो जगह, स्पेशली शाम के वक्त बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से फ़ोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, या फिर अगर आप घूमने भी जाते हो, ये जगह एक आइडियल प्लेस है। मतलब ये जगह पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी दिखावटी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर है, बस यही मैं बोल सकती हूँ। और इस जगह को मैं मेरे वर्ड्स पर डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। तो ये हम आए हैं वंडूर गांव की तरफ, मतलब वंडूर विलेज की तरफ, वो मेन रोड है जो आपको दिख रहा है, वहाँ से हम आ गए हैं लेफ्ट, हम वो उस रोड से आए हैं। स्ट्रेट अगर जाओगे तो आपको वंडूर बीच मिलेगा, तो हम लेफ्ट ले लिए हैं और लेफ्ट में जाता है वंडूर विलेज। तो ये देखिए वहाँ पे गांव है, घर है और दोनों तरफ पानी ही पानी है। क्या ये सुनामी का पानी है? अच्छा, ये सुनामी का पानी है, मतलब सुनामी के कारण इस तरफ में पानी आ गया, एंड देन दे यूज दिस क्या बोलूँ पत्थर ताकि और अंदर ना आ जाए। ये सुनामी के दौरान ही एक्चुअली डाला गया था, मुझे याद है। ये देखिए तो ये पूरे रोड के किनारे किनारे पे डाला गया ताकि रोड बना पाए और लोगों को हेल्प हो इससे। तो ये बहुत सारे जगह पे डाला गया, जैसे छोलारी पे है, वंडूर पे है और भी बहुत सारी जगह पे हैं। तो यही था मेरा आज का दिन का ट्रिप। तो हमने यहीं से छोलारी की तरफ अपना गाड़ी मोड़ लिया एंड देन रसगुल्ला लिया और घर चले आए। तो आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा फ्रंट फेसिंग कैमरा से बात ही नहीं किया, तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट लगा होगा। मैं अभी से कोशिश करूँगी कि ज़्यादा फ्रंट फेसिंग कैमरा से ही वीडियो बनाऊँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि आपको ये वाला जगह कैसा लगा। और स्पेशली मैंने जो आपको नॉर्थ वंडूर के बाद जो ये वाला स्पेशल जगह दिखाया, ये एरिया आपको कैसा लगा? मुझे नॉर्थ वंडूर बीच से भी ये सिंपल सा जगह ज़्यादा अच्छा लगा, मे बी इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्राउडेड नहीं था और मुझे ऐसा ही वाला ज़्यादा पसंद आता है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि वंडूर विलेज है, तो यही वाला रोड जो कि स्ट्रेट जा रहा था, अगर आप अंदर चले जाओगे तो आपको एक लोकेलिटी दिखेगा जो कि मोस्ट ऑफ देम आर बंगाली, ये वाला रोड जो आपको अभी दिख रहा है ना, जो घर भी आपको शायद दिख रही है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक करें, मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बस 20,000 होने में और बस 400 सब्सक्राइबर ही बाकी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी मेरा 20,000 सब्सक्राइबर कर दे। और उसके बाद एक गिवअवे भी आने वाला है, तो आप लोग गेट रेडी फॉर दैट। ओके, तो बाय बाय माय लवली 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 फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।